उसमें ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स का फॉर्मूला एफसी प्लस प्रॉफिट अपॉन पीबी नहीं, यूनिट्स में चाहिए ना, यूनिट्स में चाहिए ना, क्वांट्रिपल यूनिट, यूनिट्स में चाहिए ब्रेक इवन, तो क्वांट्रिपल यूनिट। अच्छा नाउ दोस्तों, ये सब इफ्स और बट्स वाला था कि अगर इस बंदे को ब्रेक इवन सेल करना है तो कितना सेल होना चाहिए, तो 1,00,000 रुपया हमने देख लिया, ब्रेक इवन सेल करना है 1,00,000 रुपया। अगर उसको प्रॉफिट कमाना है 5,00,000 का तो कितना सेल करना चाहिए, तो 13,50,000 था इफ यू रिमेंबर। फिर कितना प्रॉफिट होगा इफ सेल्स इज 26,00,000, वो भी हमने देख लिया। ये सब इफ्स और बट्स था कि इतना प्रॉफिट चाहिए तो कैसा होगा, इतना सेल्स होगा तो कैसे होगा। लेकिन कोई इस ऑर्गेनाइजेशन को पूछो तो सही कि एक्चुअल में उसका सेल्स कितना है, अभी अभी एक साल खत्म हुआ, उसका एक्चुअल सेल्स कितना है, कोई पूछो तो सही। पॉइंट नंबर जी कहता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढना है। इफ एक्चुअल सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज 4,00,000, मतलब ये तो इफ्स एंड बट्स था, लेकिन एक्चुअली बेचारे ने 4,00,000 रुपए का सेल किया है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढना है। नाउ व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज गिवन बाय द फॉर्मूला एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। एक्चुअल सेल्स उसका 4,00,000 है जबकि वो 1,00,000 पे ब्रेक इवन है, हमने देखा 1,00,000 के सेल्स पे ब्रेक इवन है, सो 3,00,000 रुपीज इज कॉल्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जरा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ये 1,00,000 का सेल्स पे नो प्रॉफिट नो लॉस, 1,00,000 का सेल्स पे ब्रेक इवन, लेकिन वो तो 4,00,000 पे चल रहा है, उसका एक्चुअल सेल्स तो 4,00,000 है, तो 4,00,000 उसका एक्चुअल सेल्स है, 1,00,000 ब्रेक इवन है, तो कितना सेल्स कम होगा तो भी वो सेफ है, कितना सेल्स कम होगा, आंसर 3,00,000 से कम होगा तो भी वो सेफ है, क्योंकि वो 4,00,000 पे है, मान लो 1,00,000 कम हुआ, तो 4,00,000 पे से 1,00,000 पे कम हुआ तो 3,00,000 पे आया, फिर भी वो सेफ है ना, उसको तो खाली 1,00,000 ही चाहिए। अच्छा 2,00,000 कम हुआ तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा, फिर भी वो सेफ है, 4 में से 3 कम हो गया, 3,00,000 का सेल्स कम हो गया, 4 में से 3,00,000 का सेल हो गया तो 1,00,000, हाँ तो अभी वो इधर पहुंचेगा, तो 4 और 1 में 3,00,000 रुपये से वो नीचे जाएगा फ्यूचर में तो भी वो सेफ है। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज वो कितना सेफ है अगर उसका सेल्स नीचे गया तो, वो 4,00,000 पे चल रहा है, 1,00,000 तक चलेगा उसको, तो 4,00,000 से 3,00,000 नीचे जाएगा ना तो भी वो 1,00,000 पे अटकेगा। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स हाउ मच डाउनफॉल इन सेल्स ही कैन अफोर्ड, ही कैन अफोर्ड डाउनफॉल इन सेल्स ऑफ 3,00,000 रुपीज बिकॉज करेंटली इज एट 4,00,000 रुपीज, अ डाउनफॉल ऑफ 3,00,000 रुपीज विल ब्रिंग हिम टू 1,00,000 रुपीज वेर इज ब्रेक इवन। बट इफ द डाउनफॉल इज 3,50,000 करेंटली इज एट 4,00,000, अगर 350 कम हो गया मतलब 50,000 के सेल्स पे पहुंच गया वो, that is not safe. So margin of safety 3,00,000 रुपीज का आंसर है existing condition पे। What is existing condition? His actual sales is 4,00,000. Existing condition sales is 4,00,000. Even if the sales drop by 3,00,000 रुपीज, अगर 3,00,000 से कम भी हुआ तो भी वो break even ही है। So that is the meaning of margin of safety. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए एक्चुअल सेल्स क्वेश्चन में दिया है
और ब्रेक इवन सेल्स आपको कैलकुलेट करने का नहीं। इसमें तो हमने ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट कर दिया है। सो माय फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर डी ई एफ एक ही फॉर्मूला पे चलता है और ये है ए एस माइनस बी ई एस। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला है ए एस माइनस बी ई एस। तो बी ई एस आपको ढूंढने का, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज द कॉस्ट डेटा पर यूनिट। सेलिंग प्राइस 20 है, वेरिएबल कॉस्ट 15 है, तो 20 माइनस 15 कॉन्ट्रीब्यूशन इज 5। ब्रेक इवन सेल्स इज 6 लाख, ब्रेक इवन सेल्स दे दिया है, फाइंड फिक्स्ड कॉस्ट। ये दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड फिक्स्ड कॉस्ट, ब्रेक इवन सेल्स दे दिया है। मेरे दोस्तों वही अपना मैजिकल फॉर्मूला आप देखो, सेल्स इज इक्वल टू एफ सी प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, एफ सी प्लस प्रॉफिट अपॉन, यही फॉर्मूला से आंसर आएगा, देखो आप। अच्छा पहले पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इन 200, कॉन्ट्रीब्यूशन 5 रुपीज है, 25% आया पीवी रेशियो। चलो अब ये फॉर्मूला बिठाते, ब्रेक इवन सेल्स दे दिया है ना, ब्रेक इवन सेल्स दे दिया है, फाइंड फिक्स कॉस्ट, तो यही फॉर्मूला मैं फॉलो करता हूं। आप ध्यान दीजिए, सेल्स ब्रेक इवन सेल्स 6 लाख, ब्रेक इवन सेल्स 6 लाख, फिक्स कॉस्ट ढूंढना है, फिक्स कॉस्ट ढूंढना है, प्रॉफिट तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ब्रेक इवन का मतलब है नो प्रॉफिट नो लॉस। पीवी रेशियो अभी अभी ढूंढा 25%, तो 6 लाख इंटू 25% X इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 6 लाख इंटू 25% 1,50,000, फिक्स कॉस्ट आ गया 1,50,000। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? वही अपना सेल्स इज इक्वल टू एफ सी प्लस पी अपॉन पीवी, सेल्स इज इक्वल टू एफ सी प्लस पी अपॉन पीवी। ब्रेक इवन सेल्स 6 लाख है, तो सेल्स पे 6 लाख लिखो, ये ब्रेक इवन वाला सेल्स है, तो प्रॉफिट 0। फाइंड फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट एक्स, डन। क्रॉस चेक करते हैं, वो कहता है कि अगर सेल्स 6 लाख का है, अगर सेल्स 6 लाख का, तो ब्रेक इवन हो रहे हैं ये लोग, सेल्स 6 लाख पे ब्रेक इवन ऐसा दिया है। चेक करो कुंडली, सेल्स 6 लाख इंटू पीवी रेशियो, पीवी रेशियो आया 25%, तो 6 लाख इंटू 25% तो वो आ जाएगा 1,50,000 और फिक्स कॉस्ट 150। हा करेक्ट, 0 करेक्ट, राइट। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट वन मैजिकल फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला। लेट्स टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, लेट्स टेक अप अ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द प्रॉफिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज 30 लाख। वाओ, ये ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट 30 लाख रुपीस का है, ब्रेक इवन छोड़ प्रॉफिट पे चल रहे हैं, 30 लाख का तो प्रॉफिट है उनका। पीवी रेशियो दे दिया है 50%, फिक्स कॉस्ट दे दिया है 10 लाख। फाइंड ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, दो चीज पूछा है, तो ब्रेक इवन सेल्स पहले कैलकुलेट करें। चलो ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करते हैं, पीवी रेशियो इसमें दे दिया है 50%। चलो सर कौन सा फॉर्मूला? वही फॉर्मूला, सेल्स इज इक्वल टू एफ सी प्लस पी अपॉन पी। हाँ, तो अपने को ब्रेक इवन सेल्स ढूंढना है ना, ये बात, फाइंड ब्रेक इवन सेल्स, तो ब्रेक इवन सेल्स एक्स, फिक्स कॉस्ट दिया है क्वेश्चन में 10 लाख, प्रॉफिट नहीं, ब्रेक इवन की बात करते तभी प्रॉफिट नहीं, पीवी रेशियो 50%,
एक्स इज इक्वल टू 10 लाख डिवाइड बाई 50% आप करोगे तो इट विल कम टू 20 लाख रुपीज। तो उनका ब्रेक इवन है, उनका ब्रेक इवन सेल्स है 20 लाख रुपीज। अच्छा प्रूव करके बताओ उसमें क्या है, उसमें क्या है? अपने पास है ना ये मशीन है, मशीन। चलो वो लोग बोलते हैं ब्रेक इवन है 20 लाख। तो अगर सेल्स 20 लाख है इनटू 50%, ये सेकंड क्वेश्चन है, उसमें पीवी रेशियो दिया है 50%, सो इनटू 50%, तो 10 लाख। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है 10 लाख, जीरो, करेक्ट आंसर, करेक्ट है अपना। सर अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढना है। ब्रेक इवन सेल्स इज 20 लाख, मतलब अगर उसने 20 लाख रुपीज का सेल किया, अगर उसने 20 लाख रुपीज का सेल किया तो नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन एक्चुअल सेल्स क्या है उसका भाई? हम बिजनेस थोड़ी ना ब्रेक इवन के लिए करते हैं, वी डोंट डू बिजनेस फॉर ब्रेक इवन यार। 20 लाख रुपीज सेल्स इज सफिशियंट टू ब्रेक इवन, बट दिस गाय इज डूइंग बिजनेस इन अ वेरी 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 सक्सेसफुल मैनर। प्रॉफिट है 30 लाख का, कितना सेल्स हुआ होगा उसका? 30 लाख का प्रॉफिट, कितना सेल्स हुआ? हाउ मच वाज हिज एक्चुअल सेल्स सो दैट ही हैज अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 30 लाख? लेट्स सी, एक मिनट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ढूंढना है ना, तो एक मिनट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पहले तो अपन बेसिक फॉर्मूला लिख देते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का बेसिक फॉर्मूला है एस माइनस बीई एस, एक्चुअल सेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, करंट एक्चुअल सेल्स। चलो बस करंटली उसका एक्चुअल सेल्स कितना है, माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो ब्रेक इवन तो हमने ढूंढ लिया, अभी एक्चुअल सेल्स कितना है? वापस वही फॉर्मूला, एक्चुअल सेल्स ढूंढने के लिए वापस वही फॉर्मूला, वही फॉर्मूला। सेल्स कितना है उसका? फिक्स कॉस्ट 10 लाख, प्रॉफिट 30 लाख, पीवी रेशियो 50%, 40 लाख, सपोज 80 लाख रुपीज इज एक्चुअल सेल्स उसका। एक्चुअल सेल्स 80 लाख रुपीज का है क्योंकि वो प्रॉफिट कमा रहा है 30 लाख का। 80 लाख के प्रॉफिट पे उसको 30 लाख का, सॉरी 80 लाख के सेल्स के ऊपर उसको 30 लाख का प्रॉफिट है। और ब्रेक इवन कितना था? 20 लाख, ब्रेक इवन वॉज 20 लाख। ओके सो लेट्स क्रॉस चेक करो ना, सर क्रॉस चेक कर लेते, उसमें क्या है, क्रॉस चेक कर लेते। क्या उसका सेल्स अगर 80 लाख है तो उसका प्रॉफिट 30 लाख है? हाँ देख लेते ना उसमें क्या है। सेल्स 80 लाख, 50% दिया है तो कॉन्ट्रीब्यूशन इज 40, 10 लाख का फिक्स कॉस्ट 30, करेक्ट है, करेक्ट है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया, बंदा 80 लाख रुपए का एक्चुअल में सेल कर रहा है जबकि उसका ब्रेक इवन खाली 20 है, 60 लाख रुपीज से वो सेफ है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आंसर आया 60 लाख, वो 80 पे चल रहा है, 20 पे ब्रेक इवन है। तो 80 से अगर वो 60 नीचे गया, 80 से 60 तक नीचे गया तो टेंशन नहीं है, 60 से ज्यादा नीचे गया तो प्रॉब्लम है। इधर 80, इधर 20, 80 लाख इज एक्चुअल सेल्स, 20 लाख इज ब्रेक इवन सेल्स, 10 लाख कम हुआ। 80 लाख से 10 लाख कम हुआ तो 70 पे आएगा, सेफ है। 20 लाख कम हुआ, सेफ है। 50 लाख कम हुआ, 80 से 50 लाख कम हुआ मतलब 30 लाख का सेल्स हो गया तो भी सेफ है। 60 लाख तक उसका सेल्स कम होगा ना, द डाउनफॉल, द ड्रॉप इन सेल्स ऑफ 60 लाख ही कैन अफोर्ड। 80 माइनस 60 इज 20, 20 पे वो ब्रेक इवन है। लेकिन इससे ज्यादा अगर सेल्स ड्रॉप हुआ, अगर आपको बोलेगा कोई, अगर आपको कोई बोलेगा करंटली वो 80 लाख पे चल रहा है, ड्रॉप इन सेल 70 लाख, 80 पे चल रहा है, 70 लाख से ड्रॉप हो गया तो 10 लाख का सेल हो गया। बापरे उसका तो ब्रेक इवन 20 लाख से, 10 लाख का सेल,
60 लाख तक का ड्रॉप इन सेल्स. सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज हाउ मच ड्रॉप इन सेल्स कैन एन ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आया 60 लाख. मेरे दोस्तों आपको पता है हमने ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करने के लिए भी ये फॉर्मूला यूज किया, एक्चुअल सेल्स कैलकुलेट करने के लिए भी ये फॉर्मूला यूज किया. मैजिकल फॉर्मूला है, मैजिकल. जब ही ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट किया तो प्रॉफिट जीरो रखा, एक्चुअल सेल्स कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट जो दिया है वो 30 लाख का उसने प्रॉफिट कमाया है, तो कितना उसने एक्चुअल सेल्स किया होगा 30 लाख का प्रॉफिट. वन मोर थिंग माय फ्रेंड्स, वन मोर थिंग. मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ये फॉर्मूला आई हैड डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, बट नाउ लेट मी गिव यू वन मोर फॉर्मूला ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी. अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आया था, 80 लाख माइनस 20 लाख इज इक्वल टू 60 लाख. दिस इज अवर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, करेक्ट. एक और फॉर्मूला मैं आपको देता हूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, पी अपॉन पीवी. हो गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया, पी अपॉन पीवी. ऑफकोर्स पी इज प्रॉफिट, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है 30 लाख, पीवी रेशियो क्वेश्चन में दिया है 50, आंसर इज 60 लाख रुपीज, डायरेक्टली आ गया. मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला पी अपॉन पीवी. दूसरा फॉर्मूला है, पहले ब्रेक इवन सेल्स ढूंढो, फिर एक्चुअल सेल्स ढूंढो, दोनों को माइनस करो. ये भी एक फॉर्मूला है.